एसडीएम पीजी कॉलेज में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता एबीवीपी और भाजपा नेताओं पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्र इन आरोपों को बेबुनियादी बता रहे हैं। मामला बीते 7 नवंबर का है, जब छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे। एबीवीपी के कुछ छात्र एनएसयूआई कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां दोनों ही संगठनों में विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद यह मामला डोईवाला कोतवाली पहुंचा, जहां कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कुछ छात्रों ने एनएसयूआई के कार्यालय के सामने महिलाओं और छात्राओं के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं देर शाम एबीवीपी से जुड़े छात्र भी भाजपा नेताओं के साथ कोतवाली पहुंचे, उन पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियादी बताया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। अभद्रता से, अभद्र टिप्पणी से कपड़े उतार उतार कर नाचना, साथ में खड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, अगर वो चुनाव जीत गए थे अपने जुलूस को एक शान से लेते, बधाई है उनको बहुत बहुत कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे साथ बच्ची थी, वो अभद्र टिप्पणी करे, मेरा बेटा छोड़ के साथ चले जाओ, जहाँ मैं जुलूस है वहाँ चले जाओ। उसके बाद 70-80 लोग लाठी डंडों के साथ मेरे पति पर, मेरे पे हमला किया, हमने बच्चों को बचाया, किसी ने गोली मारी। और छात्र संघ चुनाव का एक रिजल्ट आया, एक संगठन चुनाव जीता, तो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एनएसयूआई के जो चुनाव कार्यालय है, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता बैठे थे, उनके कार्यालय के सामने आकर अभद्रता की गई। महिला कांग्रेस की हमारी जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी जी और वहाँ छात्राएं थी, सबके साथ अभद्रता की गई, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। तो इसी के रोष में महाविद्यालय में हमारा चुनाव हुआ है, जिसका परिणाम हमारे विद्यार्थी परिषद के अनुरूप निकला है, जिसमें हमारे मोहित डंगवाल जी ने सीट है। इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए एनएसयूआई के कुछ समर्थक, जिसमें से सभी बाहरी तत्व लोग थे, जिसमें 50 साल की महिला, 40-45 साल की औरतें और 50 से 60 साल के बीच के अनेक आदमी आके हमारे बच्चे जीतने के बाद हमारी छोटी बहनें ये जुलूस लेकर बाहर की तरफ निकले, जिसमें उन्होंने उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए हम लोगों के साथ बहुत